नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है भारत में आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में जल्द ही हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे देश में 863 प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 121 बिलियन डॉलर्स की है। इनको जल्द ही अप्रूव किया जाने वाला है एंड वन बाय वन हमें ये भारत में देखने को मिलने वाले हैं। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी भी देश के ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट करती है। एंड हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है वहां पर टोटल 29 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल सेंटर सेटअप किए गए हैं। एंड जो 29 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स हैं इनके पास में हमारी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टोटल 863 प्रपोजल्स हैं जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 121 बिलियन डॉलर्स की है। एंड इसमें 272 प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनके चांसेस 90% से ज्यादा ये है कि वो कंफर्म होंगे एंड इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 41 बिलियन डॉलर्स की है। एंड वहीं 279 प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 51 से लेकर 90% तक की है एंड इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 69 बिलियन डॉलर्स की है। एंड वहीं जो रिमेनिंग है उनके चांसेस 50% से कम है जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 11 बिलियन डॉलर्स की है। एंड जल्दी इनको जो प्रूव करना स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड वन बाय वन ये हमें भारत में देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों ओवरसीज मार्केट में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए विप्रो के द्वारा डिसाइड किया है कि वो लीन स्विफ्ट सॉल्यूशंस जो कि एक यूएस बेस्ड सिस्टम इंटीग्रेटेड है इसको एक्वायर करने वाले हैं। एंड इसको एक्वायर करने के लिए विप्रो के द्वारा 21 मिलियन डॉलर स्पेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो यूएस बेस्ड कंपनी है ये ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस इस तरह की थिंग्स पर काम करती है। एंड नाउ इसको एक्वायर करते हुए जो विप्रो है वो यूएस मार्केट में उनका जो बिजनेस है उसको और भी स्ट्रेंथन करेगा और वहीं जो डील होगी ये अराउंड 21 मिलियन डॉलर्स की होगी जिसके चलते विप्रो इनका 100% स्टेक एक्वायर करेगा और ये पूरी की पूरी एक कैश डील होगी। एंड अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर विप्रो के द्वारा जो डील है इसको कंक्लूड भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है यूएस बेस्ड प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म जेनपैक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका एक न्यू टेक सेंटर लॉन्च करेंगे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक सेंटर होगा। स्पेसिफिकली इसको हमारे देश की स्टेट तेलंगाना के वारंगल सिटी में लॉन्च किया जाएगा एंड इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ इस टेक सेंटर को लेकर जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो टेक सेंटर होगा ये एक तरह की हब होगी जो कि जेनपैक्ट के इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट टेक सेंटर्स में से एक होगा। एंड इसकी जो इनिशियल सीटिंग कैपेसिटी होगी वो 100 सीट्स की होगी एंड इनिशियली यहां पर इनके द्वारा ज्यादातर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय तो नहीं किया जाने वाला है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको इनके द्वारा एक हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। और वैसे तो इसके चांसेस ज्यादा ऐसे ही हैं कि ये सक्सेसफुल भी हो सकता है क्योंकि वारंगल जो कि तेलंगाना में है वो एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहां का आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है एंड करंटली यहां पर टेक महिंद्रा, साइएंट इस तरह की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की अवेलेबिलिटी एंड जो एग्जिस्टेंस है उसको और भी इंक्रीज करते हुए मुंबई मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सक्सेसफुली रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आरडीएसओ के जो ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है जो कि मुंबई मेट्रो की लाइन 2A एंड लाइन 7 के लिए लिए गए थे। दोस्तों एज ऑफ नाउ जो मुंबई मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको अभी रिसेंटली ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है वहां से इन दोनों लाइंस के लिए ओएचई इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अप्रूवल मिल गई थी एंड नाउ आरडीएसओ के ट्रायल्स है वो भी इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं जहां से इनको अप्रूवल मिल गई है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लाइन 2A है ये दाहिसर से डीएन नगर के बीच में है एंड यहां पर धनुकरवाड़ी से आरे के बीच में 20 किलोमीटर तक की स्ट्रेच है उसका ट्रायल लिया गया था। एंड वहीं जो लाइन 7 है वो दाहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट के बीच में है एंड यहां पर अब ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए जो एमएमआरडी है उनको हमारे जो रेलवे सेफ्टी बोर्ड है वहां से अप्रूवल लेनी बाकी है एंड वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में मुंबई मेट्रो की जो न्यू लाइन है यहां पर ऑपरेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सिस्टम रूपे एंड भीम यूपीआई को लेकर, जहां पर दोस्तों इसकी जो यूजेस है उसको इंक्रीज करने के लिए ताकि इनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सके हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन दोनों के लिए एक न्यू इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस कर दिया है जो कि भीम यूपीआई एंड साथ साथ में जो रूपे डेबिट कार्ड्स हैं उनको प्रमोट करेगी एंड इसको अप्रूव भी किया जा चुका है। सो बेसिकल दोस्तों ये जो दोनों हमारे इंडियन पेमेंट सिस्टम है इनको जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है और वहीं ऑलरेडी जो यूपीआई है उसकी यूजेस तो
कई सारी कंट्रीज में स्टार्ट भी हो चुकी है। एंड सिमिलरली जो रुपे कार्ड्स हैं उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो वीज़ा कार्ड एंड जो मास्टर कार्ड है इनको टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया था। और भीम यूपीआई भी किसी तरह का ही टूल है। और क्योंकि अब ये हमारे जो इंडियन मेड पेमेंट सिस्टम है ये काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं, तो इसी के चलते रिसेंटली जो वीज़ा है जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एक कंप्लेन की थी कि भारतीय सरकार उनके जो रुपे डेबिट कार्ड्स हैं उनको प्रमोट कर रही है, जिसके चलते उनके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एंड नाउ दोस्तों इसको और भी प्रमोट करने के लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक इंसेंटिव अनाउंस कर दी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके जले पर नमक छिड़क दिया है। एंड इस स्कीम के अंतर्गत हमारे देश में जो बैंक्स हैं जो कि इन रुपे कार्ड्स को एक्सेप्ट करेंगे उनको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड ओवरऑल इसकी जो प्रमोशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर में 1300 करोड़ रुपीज स्पेंड करने वाली है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टीपी रेन्यूएबल माइक्रोग्रिड को लेकर, जहां पर दोस्तों सब्सिडरी कंपनी के द्वारा उनका एक न्यू रेन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, जिसको इनके द्वारा रेन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में और रूरल एरियाज में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्टेनेबल प्रोग्राम कहा जा रहा है। सो बिल्कुल दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो टीपी रेन्यूएबल माइक्रोग्रिड है वो हमारे देश में जो विलेजेस हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करने का काम कर रही है। एंड स्पेसिफिकली इनका जो काम है या फिर जो प्रोग्राम है वो यूपी एंड बिहार में स्टार्ट किया गया है। एंड इसके अंतर्गत जो विलेजेस हैं उनको स्पेसिफिकली जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इन्होंने इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे देश के 186 विलेजेस को कवर कर लिया है, जो कि मोस्टली यूपी एंड बिहार स्टेट में ही है। और क्योंकि इस प्रोग्राम को इनके द्वारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम कहा जा रहा है, तो इनका प्लान ये है कि अगले 6-7 सालों के अंदर अंदर ये यूपी एंड बिहार स्टेट में 10,000 से ज़्यादा विलेजेस को कवर करेंगे। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इनके द्वारा जो विलेजेस हैं यहाँ पर माइक्रोग्रिड को सेटअप किया जा रहा है, जहाँ पर रेन्यूएबल एनर्जी को सप्लाई करके जो घर हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। एंड दोस्तों इनका प्रोग्राम ये भी है कि ये इसी तरह का एक और प्रोग्राम उड़ीसा स्टेट में भी लॉन्च करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश की न्यूक्लियर पावर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको और भी इंक्रीज करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में 6 न्यू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को अप्रूव कर दिया गया है, जिनको महाराष्ट्र के जैतपुर में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो जैतपुर है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक छोटी सी पोर्ट है, और यहां पर ऑलरेडी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक न्यूक्लियर पावर अपडेट प्लान किया गया था, जिसको अब अप्रूव भी कर दिया गया है। एंड यहां पर अब टोटल 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को किया जाएगा, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 1650 मेगावाट की होगी, और ऐसे टोटल इनकी जो कैपेसिटी होगी वो 9900 मेगावाट की होगी। और इसको फ्रांस के साथ में जो कंपनी है फिर जो फ्रांस गवर्नमेंट है उनके साथ में कोऑपरेशन करके बनाया जाएगा। एज ऑफ नाउ उसको अप्रूव तो किया जा चुका है, और वहीं फ्रांस के साथ में भी इसके डेवलपमेंट को लेकर जो टेक्नो कमर्शियल डिस्कशंस हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। एंड एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 9900 मेगावाट की होगी, जबकि हमारे देश की जो टोटल इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो अभी 6780 मेगावाट की होगी। और जो सिंगल प्लांट होगा ये हमारे देश की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगी जो कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पेरिस बेस्ड मल्टीफंक्शनल एजेंसी यूनेस्को को लेकर, जहां पर दोस्तों यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का एक फेमस फेस्टिवल है और वैसे भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको यूनेस्को के द्वारा उनकी जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सो बेसिकली दोस्तों दुर्गा पूजा एक इस तरह का फेस्टिवल है जिसको हर साल वेस्ट बंगाल स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी जो सबसे ज़्यादा धूमधाम है वो कोलकाता सिटी में देखने को मिलती है। और वैसे भी हमारे देश में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता होगा, और क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है तो इसी के चलते जो यूनेस्को है और उनकी जो इंटरगवर्नमेंटल कमेटी है जो कि वर्ल्ड में जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको सेफगार्ड करती है, उन्हीं के द्वारा ये दुर्गा पूजा फेस्टिवल है इसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर लिया गया है। एंड नाउ इसके चलते जो दुर्गा पूजा है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया है, जिसके चलते आने वाले समय में यहां पर जो टूरिस्ट एंड जो विजिटर्स हैं उनके नंबर और भी इंक्रीज होते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।